गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जे के एग्ज़ाम्स। माई नेम इज़ महक तारिक और मैं आपकी स्पेशलाइजेशन की क्लास ले रही हूँ फॉर द कोर्स सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, अब यूनिट थर्ड जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप जाके यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हैं। उसके अलावा यूनिट वन और यूनिट टू भी जो है यूट्यूब पे आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं सुपरवाइज़र के स्पेशलाइजेशन के खास कर, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कोर्स लेना है, आपको फीमेल सुपरवाइज़र का फुल कोर्स मिल जाएगा। आपको टारगेट जे के एग्ज़ाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और आप फीमेल सुपरवाइज़र के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महक 20 कूपन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 20% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी बाकी सारे कोर्सेज जो हैं आपको ऐप पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट फोर मैंने स्टार्ट करवा दिया था, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा हो गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो है और क्लाइमेट चेंज का, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये बड़े ही बड़े टॉपिक्स हैं। लगभग पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो इसी टॉपिक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन एज सच हमारे सिलेबस में इतनी डिमांड नहीं है इस टॉपिक की, तो हम इसको बहुत लिमिटेड वे में पढ़ेंगे और लिमिटेड वे में पढ़कर ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर हो जाएं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट बीच में डेट्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझे बिना आप जो है फर्दर आगे नहीं पढ़ पाएंगे, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये टॉपिक ही ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है ना, तो इसमें हम जो फर्दर बीच बीच से कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते रहेंगे, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, एयर पोल्यूशन है, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर पाएँ, और जो भी चीज़ें मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो हमसे छूटती है, हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे। इस लेक्चर के एंड पे यूनिट फोर हमारा ख़त्म हो जाएगा, यूनिट सिक्स के कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं वो करने हैं। उसके बाद जब हमारा स्पेशलाइजेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्पेशलाइजेशन पे ही एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे, और जो जो चीज़ आपकी जो है वो लेक्चर्स में छूट जाती है एमसीक्यूज में कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है डेफिनेशन आपके सामने है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जो वार्म रखता है अर्थ की सरफेस को, ठीक है। चलिए मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए चलिए देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो अगर इसके ऊपर आपको पता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ओशंस हैं, बहुत सीज हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सन है, ठीक है। ये सन की रेडिएशंस जो हैं हमारी अर्थ तक आती हैं, ठीक है। देखिए अगर ये रेडिएशंस जो हैं, जैसे धूप जिसको हम कहते हैं, हीट कहते हैं ना, हम सुबह सर्दियों में जाके धूप में बैठ जाते हैं, तो अगर ये हीट हमें ना मिले तो आपको भी पता है कि इसका नुकसान क्या होगा। अगर ये हीट जो है प्रॉपरली मतलब हमें ना मिले, इंसानों को ही आपको पता है सबसे पहले तो हमें ही धूप लगेगी सर्दियों में, तो धूप इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं होगी तो उसका नुकसान क्या होंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो सन की रेडिएशंस हैं ये डायरेक्टली अर्थ तक आती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सन की जो रेडिएशंस हैं ना, सन का जो रेडिएशंस तो आपको पता होती हैं, रेज होती हैं, ठीक है। रेडिएशंस के अंदर जो हैं यूवी रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, उसके बाद इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड के अलावा कुछ गामा रेज भी होती हैं, बट मैक्स मेजोरिटी में ये तीन रेज होती हैं, ठीक है। देखिए तीन तरह की रेज हैं, यानी तीन तरह की रेडिएशंस आती हैं, यूवी रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। इसमें आपको पता है कि आपने कहीं बहुत बार पढ़ा होता है कि जो यूवी रेडिएशन है ना, यूवी रेज जिसे कहते हैं, ये बड़ी हार्मफुल होती है, ह्यूमन स्किन के लिए बड़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। तो जब ये यूवी रेज यहाँ आ रही होती हैं, यहाँ पे पहुँच रही होती हैं, तो यहाँ पे एक ओजोन है, मैं आपको इसमें आगे पढ़ाऊँगी, ओजोन की लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर,
यहाँ पे एक एनवेलॉप जैसी लेयर है, ठीक है, एक लेयर है यहाँ पे, और ये लेयर क्या करती है, इस यूवी रेज को रोक लेती है, ठीक है, थोड़ी बहुत पहुँचती होंगी अर्थ तक, लेकिन मैक्सिमम यूवी रेज जो हैं ओजोन के द्वारा रोक दी जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से विजिबल रेज और इंफ्रा रेड रेज जो हैं ये धरती तक आती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये विजिबल रेज, तो वाइट लाइट जो जिससे जो हमें स्पेक्ट्रम जिससे हमें दिखाई देता है, तो जब ये दोनों तरह की रेज अर्थ पर आती हैं, तो अर्थ से क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट बैक, मतलब आती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होगा, ये इंफ्रा रेड रेज जो होती हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। इंफ्रा रेड रेज क्यों रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी लंबी स्ट्रांग वेवलेंथ होती है इंफ्रा रेड की, ठीक है। तो इंफ्रा रेड रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है। अब जब ये रेज आती हैं, इंफ्रा रेड रेज रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आ गया रेडिएशन अर्थ का, सन की तरफ से आने वाली रेज, ठीक है। सन की तरफ से आने वाली रेज आती हैं, ये धरती है हमारी, और ये अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, ठीक है, कुछ गैसेस हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो इस हीट को, जाने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, इसको ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप यानी इसको रोक लेती हैं, और यहाँ पे जब इसको रोकती हैं तो यहाँ पे मौसम जो है, यानी यहाँ का जो वेदर है ये गर्म हो जाता है, ठीक है, यानी हीट जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ठीक है, हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, सिंपल लैंग्वेज में हीट को यहाँ पे रोक दिया जाता है। जैसे आपको पता है ना कि जैसे कुकर होता है या कोई बर्तन हम चढ़ाते हैं ना गैस के ऊपर, तो उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, तो वो ढक्कन क्या करता है, अंदर हीट को रोक देता है। उसी तरीके से जो ये गैसेस हैं ये हीट को अंदर रोक लेती हैं, ठीक है। क्यों रोकती हैं, देखिए, जब ये अर्थ के ऊपर गैसेस जो हैं, यहाँ पे जो गैसेस का ये कुछ गैसेस हैं, ये क्या करती है, हीट को रोक लेती हैं, ठीक है। अब रोकेंगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये आप जानते हैं कि उसका फ़ायदा प्लांट्स को भी होता है, ठीक है, उसका फ़ायदा एनिमल्स को भी होता है, और अर्थ के ऊपर अगर लाइफ है ना तो इन्हीं गैसेस की वजह से है। क्यों, क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये हीट को यहाँ पे रोक लेती हैं, और अगर सन हीट का जो बेनिफिट्स हैं, अगर वो हीट ना हो तो हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, मतलब हम माइनस टेम्परेचर में पहुँच जाएंगे और हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए इन गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है, दे जस्ट ट्रैप द हीट, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने आपको एक प्रोसेस समझा दिया है, इसमें आपने क्या ज़्यादा, इसमें कुछ है नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है कि आपको पता है सबसे पहले कि सन के वहाँ से कुछ रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, रेडिएशंस आती हैं जिसके अंदर यूवी रेडिएशन होती है, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक है। तो देखिए ये तीन तरह की रेडिएशंस या गामा रेज भी कुछ छोटे अमाउंट में होती हैं। तो जब ये रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ तक आती हैं, आते आते क्या होता है कि कुछ रेडिएशंस तो ओजोन के द्वारा यहाँ रोक दी जाती हैं। ओजोन में आपके आगे आपको फिर से इसका ज़्यादा समझाऊंगी अच्छे से, लेकिन कुछ रेडिएशंस जो हैं अर्थ तक आती हैं, और अर्थ तक आते आते यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो इन रेडिएशंस को वापस जाने से रोक लेती हैं, और यही हीट को ट्रैप कर देती हैं। अगर ये हीट को ट्रैप ना करें, यानी जो सूरज से आने वाली गर्मी है, धूप है, या जिसे हम जिसे ना गर्म होते हैं, अगर ये हीट ट्रैप ना हो तो पूरी तरह से अर्थ जो है वो फ्रीज हो जाए, वो माइनस टेम्परेचर में जाके अर्थ फ्रीज हो जाए, और अर्थ के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे वो इंसानों की हो, एनिमल स्पीशीज हो, प्लांट स्पीशीज हो, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, ये एक छोटा सा प्रोसेस है, पहले आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें यही कहता है, अब इसमें ये कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ की सरफेस है उसको वार्म रखता है, ठीक है। चलिए, इस पूरे जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया है ना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कहते हैं कि जब रेडिएशंस आती हैं उन्हें कुछ गैसेस वापस नहीं जाने देती, उन्हें ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर देता है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो वो गैसेस मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर ये गैसेस ना हो तो हीट ट्रैप हो ही ना और हम फ्रीज हो जाएं, तो इन्हीं गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। देखिए, अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस आपने अपने गाँव में सबने देखा होगा कि ग्रीन कलर का या वाइट कलर का कुछ ऐसे बनाया होता है ना, घर टाइप, इग्लू टाइप का बनाया होता है, उसके अंदर कुछ प्लांट्स रखे होते हैं, आप सबने देखा होगा, तो लगभग सबके गांव में होता है। देखिए, वो प्लांट्स क्यों रखे होते हैं, क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर अंदर, मतलब
उनको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, बाहर के टेम्परेचर में वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसा करके एक एनवेलॉप यानी से कुछ कागज़ सा होता है, प्लास्टिक का कुछ रैप सा होता है, वो लपेटा जाता है, ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं। तो ये ग्रीन कलर का रैप क्या करता है कि जब इस पर सनलाइट पड़ती है, सन हीट पड़ती है, तो जब अंदर आती है तो ये इसको ट्रैप कर लेता है हीट को, और अंदर के पौधों को ये गर्म रखता है। ठीक है, इसी तरह से बस यही काम जो इस एनवेलॉप का, ग्रीन कलर के एनवेलॉप का काम है, यही काम है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, कुछ गैसेस हैं, छोटी छोटी कुछ गैसेस होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये गैसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस जो हमारे पास जो गैसेज जो हैं, ये सनलाइट को यानी सन हीट को ट्रैप कर लेती हैं। अगर ये सन हीट को ट्रैप ना करें तो हमारा जो अर्थ है पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसकी डेफिनेशन पे, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है। पहली तो बात है कि कुदरती तौर पे होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि अर्थ की सरफेस जो होती है गर्म होने लगती है। कैसे होती है? कि जब सन की एनर्जी जो है, यानी सन की हीट लाइट जो एनर्जी है, वो अर्थ के एटमोसफेयर तक पहुँचती है, जब रिफ्लेक्ट होने लगती है तो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे ये इसको ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं, और जब ये रोकती हैं तो ये हीट प्रोवाइड कर देती हैं अर्थ को, और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको कम से कम 33 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, वो सर्दी और गर्मी में चेंज होता रहता है, लेकिन ओवरऑल 33 डिग्री सेल्सियस तक कम मेंटेन करती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं। आपको सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। नाम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो वाटर वेपर आता है ना, तो बहुत से बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं, उनको लगता है कि वाटर वेपर कहाँ से आ गया। देखिए, वाटर वेपर एक गैस है, और मैंने आपको बताया ना कि ग्रीन हाउस गैसेस का नाम इतना सुन सुन के हमें लगता है कि ये बुरी गैसेस होती हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो अर्थ जो है फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वाटर वेपर की इंपॉर्टेंस है। वाटर वेपर जो है वो वाटर वेपर जिससे हम छोटा छोटा वो नमी टाइप का ना मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो वो एल्टीट्यूड के साथ भी डिक्रीज होता है, और अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो कम होता रहता है। ठीक है, वाटर वेपर की जो कंसनट्रेशन है वो अर्थ के पास ज़्यादा होती है, एल्टीट्यूड के साथ जो है कम होती जाती है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात होती है। फिर इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन, जिसे हम CH4 भी कहते हैं। मीथेन भी इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, इसका कम से कम 20% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद ओजोन है O3, और CFCs कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFCs का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं इनका भी ये भी ना थोड़ा थोड़ा हीट ट्रैप करती हैं, और ये आर्टिफिशियल हैं। अगर आपसे पूछा आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है, अब देखिए ओजोन क्या होता है। ओजोन बेसिकली O3 यानी ऑक्सीजन के तीन जब कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ओजोन बनता है। ठीक है, लेकिन ओजोन मैंने आपको अभी ऊपर भी नाम लिया था, ओजोन जो है ये सरफेस पे कम होता है, यानी जो हमारी अर्थ की ज़मीन है उस पे ओजोन कम रहता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे अगर ज़मीन पे होता है तो ये ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अब ये इसके सामने आपकी ना एक डायग्राम मैंने उठाई है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहाँ पे भी यही दिया है कि गैसेस आ रही हैं, सनलाइट सन हीट आ रही है, और यहाँ पे ये एनवेलॉप है अर्थ का, और यहाँ से जब वापस जा रही है तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी पूरे को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कुछ गैसेस के बारे में दिया है आपको, जो क्वेश्चन है वो गैसेस से ही आएगा, आने के चांसेस हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि इसका 60% कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये गैस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है हीट को ट्रैप करती है। ये हमें मिलती कहाँ से है? फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से और डिफॉरेस्टेशन से। जब भी हम पेड़ वगैरह काटते हैं तो वहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से या रेस्पिरेशन से भी हमें मिलती है। ठीक है, उसके अलावा सबसे
दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है, दैट इज़ मिथेन। ठीक है, CH4 भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस रहती है जब ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट की बात होती है। तो ये ज़्यादातर हमें ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलती है। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, मतलब केटल, एक्सक्रीट ऑफ केटल, ठीक है, काउ डंग वगैरह को जब हम जलाते हैं तो वहाँ से जो है मिथेन रिलीज होती है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में भी ये यूज़ होती है, फैक्ट्रीज वगैरह में भी ये यूज़ होती है, तो वहाँ पर भी मिलते हैं। देखिए, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से मिलती है, और फर्टिलाइजर्स में इसका, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जब आता है तो आपको याद रखना फर्टिलाइजर्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गैस। देखिए कार्बन, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो आयरन ओर स्मेल्टिंग, ठीक है, आयरन ओर को जब हम इसकी स्मेल्टिंग होती है वहाँ पर यह रिलीज़ होती है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का जो कम्बशन है, जब वो पूरी तरह से कम्बशन नहीं हो पाता, तो जब मतलब अगर पूरी तरह से हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन जब इनसफिशियंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से होते हैं तो तब मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मैंने आपको बताया ये आर्टिफिशली बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशंस में, ठीक है, सॉल्वेंट्स में, तो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके अलावा वाटर वेपर्स का, वाटर वेपर्स तो आपको पता है ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और वाटर वेपर्स जो है ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं तो लोग भूल जाते हैं कि वाटर वेपर भी ये ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है, वाटर वेपर जो है इसको हम वेरिएबल गैस भी बोलते हैं, वेरिएबल यानी चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ये घटता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर कम होगा। ठीक है, तो ये जो है ये इनकमिंग और आउट गोइंग रेडिएशन दोनों को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके इम्पॉर्टेंट गैसेस आ गई। तो गैसेस में से क्वेश्चन आपको आ सकता है, मिथेन 20% करती है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% करती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें से गैसेस में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, वो ओजोन के बारे में है। ठीक है, ओजोन के बारे में आपको कवर करा देती हूँ। देखिए ओजोन जो है ये है O3, O3 यानी इसके अंदर तीन जो हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, देखिए ओजोन दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है बैड ओजोन, एक होता है गुड ओजोन। ठीक है, देखिए बैड ओजोन कौन सा है, जो सरफेस पे होता है। देखिए अगर ये सरफेस के पास होगा ना, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है। ठीक है, लेकिन गुड ओजोन कहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, देखिए अर्थ की कुछ ना, अर्थ की कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, कुछ लेयर्स हैं, आप ज्योग्राफी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि अर्थ, जैसे अर्थ की सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जो ये मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर, और इससे ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, और लास्ट पे होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, मैं इनके नाम लिख लेती हूँ, पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजो, फिर होती है थर्मो, और फिर होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये कुछ लेयर्स हैं अर्थ की, ये अर्थ की सरफेस है जहाँ पे आप और मैं खड़े हैं बैठे हैं। ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, यहाँ ट्रोपोस्फेयर, अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है यहाँ पे क्या होता है, ये आपको पता होगा यहाँ पे प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी, हवाएं वगैरह नहीं होती, विंड्स नहीं होती, बड़ी शांत सी लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ पे सारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, विंड्स वगैरह सब यहाँ चलती रहती हैं, तो प्लेन्स जो हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जिसे हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या होता है कि ओजोन बेसिकली ओजोन की एक लेयर है, यानी O3 की एक लेयर है यहाँ पे, और बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो जो सूरज से यूवी रेज आ रही होती है, मैंने आपको बताया सन के अंदर जो रेडिएशन हैं यूवी रेज हैं, तो जब यूवी रेज आती हैं तो ये ओजोन क्या करता है, इनको रोक लेता है। ठीक है, ओजोन क्या करता है, इनको रोक लेता है। ठीक है, तो यूवी रेज जो हैं अगर वो अर्थ तक आ जाएँ तो वो स्किन कैंसर करवा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखा गया कि
पोल्स पोलर रीजन में या उन रीजन्स में जो ओजोन है वो ना वीक होती जा रही है, ठीक है। एक होल भी देखा गया था, तो उसकी वजह से कैंसर, स्किन कैंसर बहुत कॉमन हो गया है लोगों में। अगर पूरी तरह से ओजोन ख़त्म हो गई ना, तो जो है वो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यूवी रेज बहुत ख़तरनाक होती हैं। ह्यूमन का पूरा जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगी, पूरी स्पीशीज ही ख़त्म हो जाएगी। तो यूवी रेज जो है उनका धरती पर आना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन हमको बचाया किसने है, दैट इज़ ओजोन ने। तो ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक लेयर बनी हुई है। अर्थ से कम अज़ कम इसका जो डिस्टेंस है वो माना जाता है कि 18 से 22 किलोमीटर के बीच में आती है, ठीक है। ऐसे बोला जाता है 15 से 30, लेकिन 18 से 22 किलोमीटर इसका एग्जैक्ट बोला जाता है कि ये पाई जाती है 18 से 22 किलोमीटर। और इसका काम क्या है कि यूवी रेज को रोकना, ठीक है। यूवी रेज जो सन से आती है उनको रोक लेती है, उनको आने नहीं देती, ठीक है। लेकिन अब विद टाइम क्या हो रहा है, देखिए विद टाइम ना ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये आर्टिफिशली रिलीज़ होते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर से और भी हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये क्या करते हैं, यहाँ जाके ना ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन को यहाँ पे होल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होल क्रिएट हो रहा है, ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, ठीक है। ओजोन जो है वो धीरे धीरे, ओजोन की लेयर है हमारे ऊपर वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, ठीक है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उसके अलावा हेलोन्स होते हैं और भी इस तरह के कुछ आ, 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 कुछ छोटे छोटे इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो ओजोन को ऊपर जाके ख़त्म करते हैं। अगर ये ओजोन ख़त्म हो गई तो यूवी रेज जो हैं वो अर्थ तक आ जाएंगी और वो स्किन कैंसर और प्लांट स्पीशीज को बहुत नुकसान पहुँचाएंगी, ठीक है। देखिए इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि हम इसमें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए जो है हमने इसमें, आपने याद रखना है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होती है, यानी एक पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ मिलके इन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की थी, आई थिंक 1987 में। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुई थी, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और 1987 में कंट्रीज़ जो हैं मिलती हैं और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने के लिए पैक्ट लेती हैं। और ये माना जाता है कि इसका जो 1987 के बाद जो है हमने स्टेप्स लेने हैं ताकि हमारा जो है ओजोन जो है वो डिप्लीट ना हो, ठीक है। इंडिया ने इसको साइन कब किया है, दैट इज़ इन 1992, ठीक है। आप ये आपको याद रखना है। इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। मैंने आपको ये टॉपिक भी यहाँ कवर कर दिया, और इसको, इस पूरे को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है कि ओजोन की एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, और उसके बाद इसकी जो हाइट है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें एक गुड तब ओजोन मानी जाती है जब स्ट्रेटोस्फेयर में हो, लेकिन जब सरफेस में हो तो इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ग्रीन हाउस गैस बन जाती है ये, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये गुड ओजोन है, और उसके बाद इसको जो डिप्लीट करता है, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और ये सारे एलिमेंट्स, तो इनको इरेडिकेट करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की थी। कब की थी, 1987, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये साथ में चलिए देखिए। अब हमने पढ़ा कि ये सारी की सारी गैसेज जो हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने, यानी हीट मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉब्लम कब होती है कि जब ये सब की सब गैसेस जो हैं बढ़ने लगती हैं, ठीक है। इनका जो गैसेस का जो जो एक अमाउंट है वो बढ़ने लगता है। जब ये गैसेस बढ़ने लगती हैं तो नेचुरल सी बात है हीट ट्रैप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब गैसेस का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, हीट ट्रैप ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब समझ आइए आपको ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो किस तरीके से, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। जब गैसेज ज़्यादा हो जाएंगी, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगी और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते ही कहते हैं हीटिंग को, ठीक है। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट ज़्यादा होने लग जाएगा तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, ठीक है। जब ये गैसेस एक पर्टिकुलर अमाउंट में होती हैं तो ये ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही इनका अमाउंट बढ़ने लग जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करने लग जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं ज़्यादा होने के। पहला कॉज तो यहाँ पे है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि फॉसिल फ्यूल को जो है वो मतलब बर्न किया जा रहा है, ठीक है। मतलब
फॉसिल फ्यूल से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो जब जब आप इनको बर्न करेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, तो मैंने आपको बता दिया डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाकी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है रिलीज़ होते हैं, व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल वगैरह से भी जो है वो स्मोक निकलती है जिसके अंदर अलग अलग तरह की हार्मफुल गैसेज होती हैं, फर्टिलाइजर से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और उस तरह की गैसेज निकलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ बेसिक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा मतलब गैसेज जो हैं वो निकलती हैं और जिसकी वजह से वो जो है ग्लोबल वार्मिंग काज करवाती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करवाती हैं, ठीक है। मतलब वो तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। जब जब इन गैसेज़ का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, जब ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने लग जाएंगे तब ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हो सकता है अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती हैं। पहला इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ये हम कर चुके हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने का खतरा है। एयर पोल्यूशन यानी अगर जब गैसेस जो हैं ज़्यादा हो जाएंगी तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का मतलब क्या है कि जब रेन होगी ना तो नीचे अगर गैसेस होंगी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जब ये गैसी जो रेन वाटर जो है इन गैसेस के साथ मिक्स होता है तो वो एसिड रेन कॉज करते हैं, ठीक है, एसिड रेन कॉज करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ है ना हमारे पास, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, तो उनके अंदर भी जो है वो एसिडिफिकेशन उनकी हो सकती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि लॉस ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो इस इन्वायरमेंट चेंज के अंदर एडजस्ट ना कर पाएँ और वो फिर उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, अब आपको उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग अगेन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जितना चाहिए उससे धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो मेन कॉज जो है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है, जब ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो कि एक अच्छी गैसेज हैं लेकिन जब उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करा देती हैं। ज़्यादातर इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेज कर रही है। इस टाइम जो है पूरी वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि ये टेम्परेचर को राइज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसकी कॉजेज देखते हैं, कॉजेज वही हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के, इसमें कुछ नए कॉजेज नहीं है। जैसे डिफॉरेस्टेशन कॉज है, हम पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो जब हम इनको काट ही देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज़ होगी। व्हीकल्स एक कॉज है, ठीक है, गाड़ियों के जो धुएं से जो अलग अलग तरह की गैसेस निकलती हैं। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ओजोन डिप्लीशन कराते हैं। इंडस्ट्रीज कॉज है, एग्रीकल्चर के बारे में हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं इफेक्ट, देखिए इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, क्यों होती है और क्या क्या, लेकिन देखिए इफेक्ट्स क्या होंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ जाना। जैसे आजकल हम देखते भी हैं कि गर्मियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या सर्दियों में भी जो है टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन रहता है, तो अब अगर बढ़ रहा है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो राइज इन टेम्परेचर, सबसे पहले बेसिक नुकसान जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या नुकसान होगा, देखिए हम तो ह्यूमंस तो फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी भी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, कुछ प्लांट की, कुछ एनिमल की, कुछ ओशन में स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ रिवर स्पीशीज ऐसी होती हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्पीशीज का लॉस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए टेम्परेचर बढ़ने का एक और नुकसान है कि ना मेल्टिंग ऑफ
मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए हमारे अर्थ के ऊपर आप जानते हैं पोल्स हैं, ये पोल्स हैं, और पोल्स में जो है मैक्सिमम जो ग्लेशियर्स हैं ना, ग्लेशियर्स कहते हैं कि वो जो स्नो के जो स्नो जो जमी हुई है, बर्फ आइस जमी हुई है, तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे तो ओशंस जो है ना, वो नेचुरल सी बात है पानी उनमें भर जाएगा, ठीक है। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो रिवर्स जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरा जो इन्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग ऑफ आइस होने लगती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और टेम्परेचर तो राइज़ होता ही है, जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें एक IPCC की रिपोर्ट है। IPCC क्या है? IPCC है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये IPCC एक बॉडी है जिसकी रिपोर्ट आती है, जिसमें इसने बताया कि कम अज़ कम जो है 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है अर्थ का, ठीक है। तो अभी हमें इसको बहुत फ्रिक्वेंट ज़रूरत है, बहुत इमरजेंसी है कि हम टेम्परेचर को कम करें। टेम्परेचर को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करें। ग्रीन हाउस गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड या मिथेन के रिलीज़ को कम करें। तो ये कैसे होगा? जब हम थोड़ा सा हम डिवेलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन डिवेलपमेंट के साथ साथ हम जो है हम ये भी देखें कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो तभी आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्शन का हर जगह पे बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है। तो अब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, आइस जो है मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हैं उसमें, जैसे ओशंस का ज़्यादा हो जाएगा। जो आइलैंड हमारी कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं ना, जैसे बांग्लादेश है, मालदीव है, छोटे, वो तो रहेंगे ही नहीं क्योंकि पूरा समुंदर ही आ जाएगा, तो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं, जो हमें प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं थ्रेट टू इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को तो थ्रेट है ही, एक स्पीशीज़ खतरे में आ जाएगी तो सारी की सारी स्पीशीज़ जो हैं, प्लांट स्पीशीज़ जो हैं, सारी की सारी स्पीशीज़ जो हैं वो खतरे में आ जाएंगी, ठीक है। फ्लड्स बहुत कॉमन हो जाएंगे तो उससे इफेक्ट होगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज कैसे होगा कि अभी देखिए आप अपने अगर ज्योग्राफी में आप डिटेल पढ़ते हैं, अगर ओशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो नेचुरल सी बात है विंड की स्पीड, विंड एनर्जीज पर फ़र्क पड़ेगा, ओशनिक करेंट्स पर फ़र्क पड़ेगा। उस तरीके से जो पूरा का पूरा हमारा एक सिस्टम चलता है ना, जैसे ओशनिक करंट्स का सिस्टम चलता है, ओशनिक विंड्स का चलता है, तो वो उसकी वजह से रेनफॉल होती है कहीं पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। रेनफॉल पे चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, तो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिजीज स्प्रेड तो होता ही है, जब गर्मी होती है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल अटैक जो है वो ज़्यादा गर्मी में ही होता है, ठीक है। डिजीज स्प्रेड होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल टर्म है, हैबिटेट कहते हैं मतलब ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ए स्पीशीज़ ना, जहाँ पे वो रहती है। तो आप जब जंगल ख़त्म हो रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, प्लांट सर्वाइव नहीं कर रहे, अगर हैबिटेट ही ख़त्म हो जाएगा, स्पीशीज़ की रहने की जगह ही ख़त्म हो जाएगी, तो स्पीशीज़ भी लॉस कर जाएंगी। स्पीशीज़ क्या हो गया? एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ जो भी है, ठीक है। उसके अलावा जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ड्रॉट्स क्या? सूखा, अगर सूखा पड़ जाता है, फ्लड्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, उससे क्रॉप्स पर इतना फ़र्क पड़ेगा। अगर सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स पड़ जाएंगे, तो रेनफॉल ही नहीं होगी तो हमारे क्रॉप्स कैसे आएंगे? तो उससे क्या होगा कि जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होगा। तो इस तरीके से हो भी रहा है अभी, ठीक है। आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर मानसून जो है वो जो बारिशें हैं इंडिया में वो जो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एग्रीकल्चर को बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। फार्मर सुसाइड होता है या वो सब होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्लाइमेट के साथ रिलेटेड हैं। और इसमें जो एग्रीकल्चर, वाटर बॉडीज़, हाँ ओवरऑल हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है, फॉरेस्ट पे फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी यानी जो हमारे प्लांट्स हैं, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, फौना कहते हैं एनिमल्स को, फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, और फौना कहते हैं एनिमल्स को, तो इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो लॉस हो जाएंगी, ठीक है। वेदर पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग का
जो है ये मतलब ये हम देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इन शॉर्ट क्या है, जब भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जब ये बढ़ जाती हैं उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो ये बहुत सारे नुकसान जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात जो है पूरी वर्ल्ड में वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा उठाई गई। ठीक है, वर्ल्ड कम्युनिटी ने कहा कि हमें जल्द से जल्द जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी किस तरीके से विद टाइम हमने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात की है, जिससे हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चेक लाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कंप्लीट होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन कंप्लीट होता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि जो है क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, और प्लस जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा क्या लाएंगे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए।